में पैकेजिंग बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। इस कंपनी में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हमें 12 अप्रैल को आता हुआ दिखाई देगा, तो इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में अच्छे खासे अपसाइड के हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो इस न्यूज़ के चलते यह स्टॉक आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। यह स्टॉक मैंने एंजेवन एप्लीकेशन में अपनी वॉचलिस्ट पर लगा के रखा है। जैसे कि मैं इस स्टॉक को की डिटेल के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये इस कंपनी का नाम है मोल्डटेक पैकेजिंग। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है ये 940 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक में 12 अप्रैल के दिन डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। जैसे ही इसके अंदर डिविडेंड की बात आती है कि स्टॉक में कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो उस डिविडेंड की न्यूज़ के चलते इस स्टॉक में आगे भी हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। और आगे वाले वीडियो में हम इस स्टॉक में कितना डिविडेंड मिला है, इसके साथ ही स्टॉक में इसकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की पूरी जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। इसके चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक में इसका टेक्निकल चार्ट किस प्रकार से बन रहा है, टेक्निकल व्यू इसका क्या रहता है, आगे आने वाले समय में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मोल्डटेक कंपनी का जो स्टॉक है इसमें हमें एक साइडवेज मोमेंट हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके चार्ट में जो एक अपसाइड से इसने एक डाउनफॉल दिखाया था, इसने एकदम 1100 के प्राइस से इसने एक डाउनफॉल दिखाया और स्टॉक में अभी देखने को मिल रहा है कि इसमें एक रेंज में काम करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन इसका जो रेंज का ब्रेकआउट अगर हम यहाँ देखते हैं, इसकी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टूल ऑप्शन का यूज़ करके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें जो रेजिस्टेंस बना हुआ है पहला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं जहाँ से स्टॉक में काफ़ी बार रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, इसके ऊपर एक जो अगला हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ कर देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बने हुए हैं ये 968 से लेकर 994 के आसपास के अंदर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। और सपोर्ट की बात करते हैं तो अभी ये स्टॉक जो है ये अपना 930 का सपोर्ट को मेंटेन किए हुए हैं। अगर 930 का सपोर्ट इसका ब्रेक होता है तो हमें 920 से लेकर 900 तक के हमें इसके अंदर अगले सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इन सपोर्ट के लिहाज से यह स्टॉक को आपको देख सकते हैं। तो अगर इसमें 900 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक में और ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक व्यू MACD के ऊपर डालते हैं तो MACD में भी हमें एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। तो स्टॉक में अगर इस न्यूज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो आने वाले समय में स्टॉक में 969 से लेकर 1000 तक के हमें अपसाइड के रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय ऑप्शन पे प्रेस करना होगा, जैसे कि मैं इसको बाय ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर लगाने के लिए 10 क्वांटिटी मैंशन करता हूँ। 10 क्वांटिटी में जो मुझे यहाँ पर मार्जिन लगने वाला है यह 9346 का मार्जिन लगेगा। लेकिन मेरा अकाउंट एंजल 1 में ओपन होने के कारण मुझे यहाँ पे 22x तक का मार्जिन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यह स्टॉक ओनली मुझे 4600 में ही मिल जाएगा। मतलब कि एंजल 1 हमें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिलीवरी में भी स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजल 1 में ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल 1 में ओपन कीजिए। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ ही आपको 1 ईयर के MC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं और आपको बेस्ट ऑफर डिविडेंड से बेस्ट ऑफर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो आज आप अपना लिंक को विजिट कीजिए और बेस्ट ऑफर आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर को पुट करते हैं। मैं कंफर्म बटन पे प्रेस करूँगा, अभी मार्केट बंद है इसलिए मेरा ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट लगेगा यस ऑप्शन पे प्रेस करूँगा और मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म होकर लिए आ जाता है। इसके बाद ये ऑर्डर मुझे पेंडिंग पे देखने को मिलेगा, जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे पोजीशन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कितना इजी इतना आसान होता है एंजेवन एप्लीकेशन में स्टॉक का एनालिसिस करना, ऑर्डर को पुट करना और यहाँ से कम मार्जिन में ऑर्डर को लगाना। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।